नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज 2 दिसंबर 2018 है और 2 दिसंबर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज के सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 2018 के विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे का विषय क्या था, यानी थीम क्या था। तो सही उत्तर है 2018 के विश्व एड्स दिवस का थीम था, क्या थीम था दोस्तों, अपनी स्थिति जाने थीम था, यानी सही उत्तर होगा बी, यानी अपनी स्थिति जाने। अब यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि एड्स दिवस मनाया कब जाता है। हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। प्रश्न भी डायरेक्टली बन सकता है कि विश्व एड्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2018 के विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था, यानी विषय क्या था, तो अपनी स्थिति जाने, यानी नो योर स्टेटस इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड एड्स डे। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि इसका उद्देश्य क्या हुआ है, माने आखिर में क्यों मनाया जाता है 1 दिसंबर को, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य HIV और एड्स जो है, HIV और एड्स ठीक है के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2018 की जो विषय वस्तु है उसका मुख्य उद्देश्य HIV रोकथाम और उपचारों के लिए HIV परीक्षण के महत्व पर केंद्रित करना एक मुख्य उद्देश्य। इसके अलावा पहली बार कब विश्व एड्स दिवस मनाया गया, तो 1988 यानी 1988 को पहली बार विश्व एड्स दिवस के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया गया। अब एड्स के संबंधी जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि एड्स जो है HIV द्वारा फैलता है, तो HIV का फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। तो अगला प्रश्न की हाल ही में भारतीय उल्लू महोत्सव यानी इंडियन ओल फेस्टिवल OWL ओल यानी उल्लू होता है कहाँ आयोजित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में भारतीय उल्लू महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ पे, पुणे में आयोजित किया गया। अभी कब आयोजित किया गया, वो 29 और 30 नवंबर 2018 को ये आयोजित किया गया। देश का पहला उल्लू महोत्सव जो है भारतीय उल्लू महोत्सव के रूप में पुणे में आयोजित किया गया। किसके द्वारा यह आयोजन किया गया, यह महोत्सव प्रकृति शिक्षा और संरक्षण की दिशा में काम कर रहे NGO जिसका नाम है एला फाउंडेशन, याद रखिए नाम क्या है फाउंडेशन का, एला फाउंडेशन, और उसी एला फाउंडेशन के द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया। पर आखिर में इसे मनाया क्यों जाता है, उल्लू के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए से मनाया जाता है। इसके साथ साथ लोगों में कुछ भ्रम भी है उल्लू को लेके, कुछ लोग इन कुरीतियों को मानते हैं या अंधविश्वास को मानते हैं कि उल्लू जो है वो अशुभ माना जाता है, इसी कारण से लोगों में जुड़े जो अंधविश्वास फैले हैं उल्लू के प्रति उसके लिए जो है ये मनाया जाता है। साथ में उल्लू डे बाय डे क्या है वो कम होते जा रही है, इसी कारण से लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय उल्लू महोत्सव के रूप में 29-30 नवंबर 2018 को पुणे में मनाया गया। समझने की हाल ही में कहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल 2018 का उद्घाटन किया गया, तो सही उत्तर है हमारे नॉर्थ स्टेट, हाल ही में नागालैंड में उद्घाटन किया गया। किसका, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2018 का। अब ये कब उद्घाटन किया गया, 1 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 2018 का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ या तो चल रहा है, तो वो कितने नंबर का संस्करण है, तो ये 19वां संस्करण है, यानी 19th जो है वो संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य रंग बिरंगे प्रदर्शनी, इसके साथ साथ शिल्प खेल भोजन मेले समारोह के माध्यम से नागालैंड के समृद्ध जो परंपरा है और जो संस्कृति है उसे प्रदर्शित करना देश के सामने, इसके लिए शुरुआत की गई है हॉर्नबिल फेस्टिवल की। और इसे कहां हुआ, ये नागालैंड में हुआ और ये 1 से लेके 10 दिसंबर 2018 तक चलने वाला है। यहाँ पे बात आई है नागालैंड की, तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और नागालैंड के कैपिटल के बारे में। तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू राव, नागालैंड के गवर्नर हैं पद्मनाभा आचार्य, नागालैंड के कैपिटल है कोहिमा, कुल 11 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। इसके अलावा रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि इंटाकी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो इंटाकी नेशनल पार्क, इसके अलावा रंगा पहाड़ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, नागालैंड में है।
इसके अलावा कौन सी नदियां बहती है, तो यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और पिक्चर में पहले दिखा देता हूँ, ये जैसे देख पा रहे ये है नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में एक और चीज बहुत बार पूछा जाता है, वो है कि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड का जो है वो कौन सा है, इंग्लिश है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है नागालैंड के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गंगा नदी के कायाकल्प कार्य की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है, हाल ही में गंगा नदी के कायाकल्प के लिए न्यायमूर्ति यूसी धयानी को नियुक्त किया गया 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में। अब आपको पता होगा कि गंगा नदी के जो कायाकल्प है यानी सफाई या तो देखरेख के लिए एनजीटी की गठन किया गया, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, यानी राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है उसका गठन किया गया है। हाल ही में एनजीटी जो है उन्होंने पूर्व जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी को गंगा नदी के कायाकल्प कार्य की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय जो समिति है उसके प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी है। अब बात आई है एनजीटी की, एनजीटी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म है, और उसका मुख्य काम इसी को निगरानी के लिए दिया गया है गंगा कायाकल्प के लिए। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 2018 को जो है फाउंडेशन हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी एनजीटी ने, ठीक है। और एनजीटी ने 6 अगस्त 2018 को जो है इस समिति का गठन किया गया था जो कि गंगा कायाकल्प निगरानी के लिए की जाएगी। अगला प्रश्न है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, यानी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश जो थे अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, यानी 41 नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये थे जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हाल ही में जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश का निधन हो गया, ठीक है, 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं और हाल ही में उनका निधन हुआ। कब से कब तक उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, 1989 से लेके 1993 तक वो अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उन्होंने 1981 यानी 1981 से 1984 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला। वे अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उन्हीं के पुत्र हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कितने नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो अमेरिका के 43 नंबर के राष्ट्रपति थे। और उनके पिता जो है जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश, जिनका हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हुआ, वो अमेरिका के 41वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएसएसएफ के सर्वोच्च पुरस्कार जिसे कि ब्लू क्रॉस कहा जाता है से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में आईएसएसएफ के सर्वोच्च पुरस्कार कहे जाने वाले ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया शूटर जो है अभिनव बिंद्रा को, यानी सही उत्तर होगा बी यानी अभिनव बिंद्रा। पहले मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, जैसे देख पा रही ये है अभिनव बिंद्रा, और इन्हीं को 30 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी जिसे आईएसएसएफ कहा जाता है के द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ब्लू क्रॉस, ये आईएसएसएफ का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। पर आखिर में अभिनव बिंद्रा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की एथलेटिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में अभिनव बिंद्रा को ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रश्न है कि ईसा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो सही उत्तर है, ईसा सिंह का संबंध है किससे दोस्तों, शूटिंग से, यानी सही उत्तर होगा ए। पहले मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देख पा रहे ये है ईसा सिंह, और ये मात्र 13 साल की है। और इन्हें हम क्यों अभी चर्चे में है, क्योंकि शूटर ईसा सिंह ने 29 नवंबर 2018 को तिरुवनंतपुरम में 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अकेले 3 स्वर्ण पदक जीता है ईसा सिंह ने। तो कौन से 3 स्वर्ण पदक है, महिलाओं की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, युवा महिलाओं की श्रेणी और जूनियर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक लिया। इसके अलावा खास बात यह है कि इन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में मनु भाकर को हराया, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद रखिए और किससे संबंधित है आप लोग याद रखिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरी तेजस सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई से कहां के बीच वो संचालित की जाएगी। तो सही उत्तर है कि दूसरी जो तेजस है जो एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है वो चेन्नई से मदुरई के बीच में जो वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, यानी सही उत्तर होगा चेन्नई और मदुरई के बीच में। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों मदुरई का, चेन्नई और मदुरई के बीच में चलाई जाएगी दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। अब आखिर में क्या खास बात है इस तेजस में? इस ट्रेन में जो कोच है वो आधुनिक मनोरंजन प्रणाली, साथ में मॉड्यूलर शौचालय, साथ में स्मार्ट खिड़की और जीपीएस आधारित जो सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि दूसरी तेजस ट्रेन की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा तो सर पहली तेजस ट्रेन कहां गई? पहली जो तेजस ट्रेन है वो 2017 में जो मुंबई और गोवा के बीच में शुरू की गई थी, और ये जो है वो दूसरी तेजस ट्रेन है जो कि चेन्नई से मदुरई के बीच में चलाई जाएगी। प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने आधुनिक दास प्रथा विधेयक पारित किया, यानी आधुनिक दास प्रथा विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो सही उत्तर है आधुनिक दास प्रथा विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इस विधेयक में खास बात क्या है कि 29 नवंबर 2018 को ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा आधुनिक दास प्रथा विधेयक पारित किया गया, और इस नए कानून के तहत जो है अनाथालय तस्करी, यानी अनाथालय में आपको पता है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो अनाथालय में जो तस्करी की जाती है वो दास प्रथा और तस्करी अपराध के रूप में माना गया, और ऐसा करने वाला जो है ऑस्ट्रेलिया पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया अनाथालय तस्करी को दास प्रथा के रूप में मानने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब यहाँ बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत आसियान इंटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा आज का आपका क्विज का प्रश्न है, आपको बताना है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फिल्म त्यौहार फरवरी 2019 में कहां आयोजित किया जाएगा, आपको उस जगह का नाम बताना है, साथ में जो स्टेट है, अगर कोई स्टेट है तो उस स्टेट के बारे में डिटेल थोड़ी सी आप लोग लिखिए, जैसे कि उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, उस स्टेट के गवर्नर कौन है, उस स्टेट की राजधानी कौन है, कहां है, तो इन चीजों को अगर आप लोग एक बार कमेंट कर देते हैं तो आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।